हेलो फ्रेंड्स, यूनिक किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं शिकंजी मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक चम्मच सादा जीरा लिया है, एक चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है। इसको मैंने ज़्यादा नहीं भुना है, हल्का सा भुना है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, बस इतना ही भुना है। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच सफ़ेद नमक और इलायची, और 10 इलायची। अब हम एक जार लेंगे, ये हमने मिक्सी ग्राइंडर ले लिया है। अब हम इसमें मसाले डाल, ये सादा जीरा, ये भुना हुआ एक चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच सफ़ेद नमक और इलायची। अब हम सभी चीज़ों को पीस लेंगे। फ्रेंड्स, सीखिए, हमारा मसाला पिस चुका है, अब हम इसे छानेंगे। ये हमारा मसाला छन चुका है, अब ये मसाला तैयार है। फ्रेंड्स, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मसाला हम शिकंजी में सोडा में डालकर इसको अच्छा टेस्ट ले सकते हैं। ये हम आइस क्यूब डालेंगे। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। ये हम नमकीन से शिकंजी बना रहे ये हम लोग अब जाके शिकंजी बना रहे हैं, इसको अच्छे से बना लेंगे। और ये हम चीनी वाले शिकंजी बना रहे हैं। ये सिरप डाल दिया मैंने मीठा इसमें, इसको भी अच्छे से घोल लेंगे। अब हम इन्हें पुदीना पत्ती से गार्निश कर देंगे। इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी नमकीन मीठी और रूह अफजा वाली शिकंजी तैयार है।